अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आज है जुमे का दिन, सब लोगों को जुमा मुबारक। मेरी तरफ से आज बहुत जल्दी ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं। तकरीबन इस वक्त सुबह के 7:30 का टाइम होगा। अभी पानी अचानक से आ गया तो मैंने बोला जैसे मैं नहा लेता हूँ। मैं नहाया, नहाने के बाद मैंने जब भूख महसूस की, मैं बोला क्यों ना किचन में अपना नाश्ता बनाया जाए। सब सो रहे हैं घर में, लेकिन लारे उड़ गई है। तो उसने मुझे बोला कि लस्सी बना के दो, तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ लस्सी और अपने लिए बना रहा हूँ चाय। चाय के साथ मैं खाऊँगा स्लाइस मक्खन लगा के और एक बॉयल अंडा खाऊँगा। तो मैं नाश्ता अपना पूरा कम्प्लीट करके फिर थोड़ी देर सोऊँगा। फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ानी है मुझे, लेकिन 11 बजे के टाइम पे 11 से 1 में ट्यूशन पढ़ाऊँगा। 1 बजे के बाद मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए और फिर आज का व्लॉग जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी देखते हैं, नाश्ता बनाते हैं। तो दारे को मिल गई ये लस्सी जो कि मैंने बनाई पी। आप कैसा लग रहा है आपको फील, ठीक है बताइए कैसी। चलो भाई लारे को पसंद आ गई लस्सी। नाश्ते में मैं ले रहा हूँ स्लाइस चाय और बॉयल एग, बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही खा रहा। तो नाश्ता मैंने बना लिया, बस नाश्ता बनाते में ही तकरीबन लाइट चली गई। 7:30 8:30 जाती है, वरना तरक्की होती जा रही है। रात को भी उन्होंने जो है वो लाइट बंद कर दी थी। तो शुरू करते हैं अब अपना नाश्ता और पसीनों पसीनों हो गया हूँ। नाश्ता बनाने में इतना आसान नहीं होता और लाइट भी चली गई थी। तो अब मैं करूँगा नाश्ता और नाश्ते के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। रेस्ट के बाद जो है वो उठूँगा ट्यूशन पढ़ा के, नमाज के बाद फिर जो है वो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ट्यूशन से हो गया हूँ मैं फ्री और नमाज जुमा की अदायगी के लिए अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद। और मस्जिद से वापसी में मुझे जाना है, कुछ काम है, घर का सौदा वगैरह लेना है। तो फिर घर आते हैं और घर आके फिर नाश्ता वगैरह, अम्मी ने और लारे ने नाश्ता नहीं किया तो वो लोग नाश्ता करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सो घर पे मैं आ गया हूँ जुमे की नमाज़ पढ़ के। अभी इतनी गर्मी नहीं है, 2-3 दिन से बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन दोपहर का टाइम है तो गर्मी बहुत ज़्यादा फील हुई। तो आके मैंने थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करके पानी वानी पिया। पानी पी के अब मैं खाऊँगा खाना। खाने में मैं पुलाव खा रहा हूँ, बाहर से लेके आया था। और ये लोग अभी कर रहे हैं नाश्ता, अम्मी और लारे जो अभी वो नाश्ता कर रहे हैं। मैं आज बहुत जल्दी उठ गया था सुबह में, 7 बजे मैंने नाश्ता किया था, 7:30 बजे। तो अब मुझे भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने बोला हल्का सा लाइट सा जो है वो मैं अभी ले लेता। और लाइट भी जाने वाली है मेरे से 10 मिनट या 5 मिनट बाद लाइट भी जाएगी। जल्दी जल्दी अभी खाना खाते हैं, टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको खाना कैसे। नॉट बैड पुलाव, अच्छे पर मामू के पुलाव की टक्कर का नहीं है जो गुलशन में मिलता है ना केडीए मार्केट में, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी अच्छा है, वो बहुत अच्छा होता है। कवर कभी आपका केडीए मार्केट जाना हो तो मामू का पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोलों का पुलाव होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अम्मा कर रही है नाश्ता और लारे बना रही है अपना नाश्ता। और अभी तक नाश्ता ही नाश्ता हो रहा है, तकरीबन आधा दिन गुजर चुका है, नाश्ता ही नहीं ख़त्म होने में आ रहा कि खाना खाएं। और मेरे 2 खाने हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाश्ता भी हो चुका है, मेरा दोपहर का खाना भी हो चुका है। ब्रेकफास्ट नंबर 3 जो कि लारिफ का है। ब्रेकफास्ट नंबर 1 मैंने आपको सुबह 7 बजे 8 बजे मैंने किया था, वो था ब्रेकफास्ट रूम। अम्मी ने किया अभी आधे घंटे पहले, आप कर रहे हैं ब्रेकफास्ट नंबर 3 तीसरा नाश्ता। तो इनके नाश्ते में आप देख सकते हैं कुछ हेल्दी है कुछ अनहेल्दी चीज़ें। तो द ब्लेंड ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी, हाइजेनिक एंड अनहाइजेनिक फूड, द ब्लेंड ऑफ क्या। सो लारे ले रही है मेडिसिन क्योंकि ड्यूरिंग द मील इनको मेडिसिन लेनी होती है। और अम्मा जो है उनका नाश्ता बिल्कुल एंड होने वाला है, काफ़ी खामोशी से खा रही हैं। अम्मा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खामोशी से खा रही हैं। लारे ने दवा खा ली है और अब जो है वो लारे लगा रही हैं मक्खन, सबसे बेहतर
और नहीं सबसे बेहतर नहीं, सबसे बेस्ट एक्शन लगता है तुम। वैसे भी बहुत मक्खन लगाती हो तुम बातों में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मुझे नहीं लगाता जिसको लगाना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गैरों को लगाती हो, गैरों को। अपनों पे सितम, गैरों पे करम। दिस इज नॉट राइट। यार ये काफी बोरिंग लोग हैं, इनको जो है ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो माशाल्लाह से देखें, ब्लॉग बनाते में लाइट जाती है, ब्लॉग बनाते में लाइट आती है। यानी इतना ज्यादा हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि हमारी ब्लॉगिंग के अंदर ही ऐसे ऐसी बातें होना नॉर्मल हो गया। तो अब गर्मी में हमें रहना होगा तकरीबन कितना, 1.25 घंटा, क्योंकि 4 बजे लाइट आ जाएगी। 2:45 बजे, मतलब 1 घंटा 15 मिनट की जाएगी है। तो चलो ये भी अच्छी बात है कि जुम्मे में थोड़ा सा रहम कर लेते हैं कि लोग नहीं, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए गई थी, आ गई थी। फिर क्या कह रही हैं, जो धूम में बैटरियां रखते हैं उसे क्या करते हैं? क्या रखते हैं? धूम में रखते हैं बैटरियां। धूप में बैटरी रखते हैं क्या करते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? सोलर सिस्टम। सोलर पैनल। भाई मजा आया, वो खाली छाने भी किया अपने पंखा चलाने के लिए। हाँ छोटा सा लगाया, उसकी शीट्स आती हैं और उसके जो छोटे साइज की शीट जो है ना वो भी तकरीबन होगी, तकरीबन 5,000 तक की तो होगी, मुझे आइडिया नहीं है, वरना 50,000-1,00,000 तक की शीट्स होती हैं, बड़ी वाली जो होती हैं। जो आपको लगवाना है क्या? अच्छी नहीं, सबका काम करवाया है खाली साथ है। मैंने कहा था सर, फर्म मना कर दिया। गजब बेइज्जती है, शर्म नहीं आती जरा। तो ये लारेब खा रही है सैंडविच अपना माशाल्लाह। टेबल के अंदर ना आप लकड़ी लगवा रहे हैं टेबल के लिए, सुना भाई? हाँ। ये टेबल में लकड़ी लगवा ले नीचे शीशे की जगह पे। अच्छा, हमारे सामने वालों ने लगवाई है, आप भी लगवा ले। मैंने कहा खाली साथ लगवा तो कर लीजिए, उनके पास तो टाइम ही नहीं। कहाँ पे? अब ठीक है, सामने वाली है ना, कहाँ पे लगवाने के लिए? ऐसी टेबल के नीचे लकड़ी लगाई है शीशे की जगह पे। अच्छा, करिए आप भी लगवा ले। मैंने कहा खाली साथ लगवा लो, कर लीजिए, उनके पास तो टाइम ही नहीं। बेइज्जती हो गई आप। नहीं तुम ये देखो, अपनी पुपियों का नाम भरते हो तो मालक जमते हो, ये देखो जरा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ अपना आटा, ये है हमारा जौ का आटा और ये है बाउल। इसके अंदर मैंने डाला है नमक और थोड़ा सा तेल ताकि हमारा आटा जो है वो सॉफ्ट गूंदे। और लाइट जो है वो हमारी गई हुई है, अंदर पंखा चल रहा है और मामी और फहीम लेटे हुए, मामी सो रही हैं। आटे में से आ रही है थोड़ी स्मेल, डोंकी की डोंकी की स्मेल आ रही है। वो असल में जौ जो है ना वो उसकी मरहूब गिज़ा है डोंकी की ना, तो इसलिए तो मैं फील हो रहा हूँ। और देखो जौ खा के गला कैसा होता है, बिल्कुल भी चर्बी नहीं होती इसके जिस्म में। सही बात है। यहाँ पे घुन रहा है जौ का आटा जो कि बहुत सेहत बख्श होता है। गर्म हो रहा है। हाँ ये गर्म होता है, बहुत सेहत बख्श होता है इससे। देखी आ रही है इसमें से। डोंकी खाता है ना असल में जो, ऐसे बोलते नहीं है। लाइट में जा रहा हूँ जरा एक काम से बाहर, तो आधे घंटे का काम है और मैं अपने कज़न के घर जाऊँगा उसको लेने के लिए, कि हमारी एक कमरे के अंदर पंखा का बटन ख़राब हो गया तो वो सही करेगा। तो अभी निकल रहा हूँ, आधे घंटे में इंशाल्लाह वापस घर आऊँगा। आ गया हूँ, पंखा हो गया हमारा ख़राब, इसमें लग रहा है कैपेसिटर लग गया उसके चक्कर में। तो अभी देखें क्या होता है, क्योंकि बटन तो सही है इसके, अब ये ऑन होता है कि नहीं होता है। हम इसके जो है वो लाइव आपको कवरेज दे रहे हैं इस वक्त पंखे की।
यहाँ पे कर रहे हैं ऑन इसको। भाई मुझे नहीं ले गया इसमें, तो मैं काट देंगे ये पर्दा करते हैं असल में। सबको पता चल गया है कि तुम पर्दा करते हो। खराब हो गया भाई पंखा, पंखा खराब हो गया। नहीं करो, नहीं चल रहा। तो मतलब दो नंबर पंखे बना रहे हैं पाक फैन वाले, इतने जल्दी खराब हो गया। पाक फैन का थोड़ी, पाक फैन है भाई, क्या हो गया? पाक फैन का नाम चलाया कोई और सा है। वाहिद इंडस्ट्रीज। ये कौन सा लगा हुआ पंखा? पाक फैन कंपनी का नाम है वाहिद इंडस्ट्रीज। अच्छा ये तो उन लोगों का है पंखा, हमारा नहीं है। बेपो का ये, मैं समझा पाक फैन लगा हुआ है। तो फिर पंखा लगा लो तुम, पंखे रखे हुए हमारे पास दो दो पंखे दो दो पंखे रखे हैं, बहुत ही गर्मी का खराब कर दिया तुम्हारा। कौन सा तुमने, कौन से फिल्टर विल्टर मारे में क्या? से आ रहा हूँ हैंडसम। वाह क्या सीन है, तुम इंसान लग रहे हो वैसे, बाल कटवा के बच्चे लग रहे हो स्कूल के। स्कूल का बच्चा लग सकता है ना एकदम बाल बाल कटवा के, है ना? चलो अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। क्या आराम करो, कब आओगे? गाड़ी में आओ, खाली ही गाड़ी कोई है तो नहीं उसमें? वरना तुम सबको साथ ले घूमते हैं, असल में एक हमेशा ना गार्ड होता है उनके साथ। नहीं हो रहा सही। हाँ